बुलंदशहर के खुर्जा डिपो की रोडवेज बस से डीजल चोरी करते वीडियो वायरल। खुर्जा के रोडवेज डिपो में मचा हड़कंप। खुर्जा डिपो में खड़ी रोडवेज बस की टंकी से डीजल निकलते देख रहे डीजल चोर। खुर्जा डिपो में खड़ी रोडवेज बस की टंकी से डीजल चोरी सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ जमकर वायरल। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति रोडवेज की बस से पाइप द्वारा डीजल निकाल रहा है। वायरल वीडियो आज सुबह और खुर्जा नगर के रोडवेज बस डिपो का बताया जा रहा है। बस से बेखौफ डीजल निकालता एक व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहा है। डीजल निकालते इस व्यक्ति की वीडियो किसी व्यक्ति ने चुपके से बना ली और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर दी। उपदेश चौहान की रिपोर्ट। सर, खुर्जा डिपो की एक दो बसों से डीजल चोरी का मामला सामने आया, क्या निकल गया है सर? हाँ, ये सुबह जो है वायरल वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, तो इस पे हमने इंक्वायरी बैठा दी है। इंचार्ज को तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है, वीडियो का अवलोकन करके वो रिपोर्ट दे रहे हैं। इसमें जो अलाटेड ड्राइवर्स हैं उनसे अलाटमेंट भी खंगाला जा रहा है, और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है, ये संविदा के ड्राइवर हैं, अलाटमेंट जैसा देखा गया है, तो इनकी संविदा जो है हम तत्काल प्रभाव से समाप्त करेंगे, आज ही करेंगे। सर, इन पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा? बिल्कुल, एप्लीकेशन दी जाएगी FIR के लिए। FIR के लिए जो है प्राथमिकी के लिए थानाधीश को दिया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि FIR करें। कितने दिन से खुर्जा डिपो में तैनात थे ये पुराने ड्राइवर? हैं करीब, मुझे लगता है 3 या 4 साल से वर्क कर रहे हैं, बट इससे पहले कोई इस तरह का मामला इनका संज्ञान में आया नहीं था। इनका डीजल औसत खंगाला गया है, तो डीजल औसत तो ठीक है, बट मैनिपुलेशन इन्होंने कहीं ना कहीं किया है, इसी वजह से ये वीडियो वायरल हुआ है और ये उसमें गलत काम करते हुए दिख भी रहे हैं। इन पर कार्रवाई हमारी करना 100% निश्चित है। रिपोर्ट अभी आज ही मांगी है और अभी दोपहर बाद जो है हम इस पर कार्रवाई कर देंगे। तो जैसे ड्राइवरों के रास्ते में इन्होंने डीजल लेकर चोरी किया है, तो इनके साथ में कंडक्टर भी जरूर शामिल होंगे, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? कंडक्टर उस वीडियो में दिख नहीं रहे हैं, उनका भी बयान लिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से रूट ऑफ कर देंगे और उसके बाद में उनका बयान लेकर अगर संलिप्तता जाहिर होती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, बट तत्काल प्रभाव से तो कंडक्टर को भी रूट ऑफ कर रहे हैं।